औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, फातिमा किचन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार पोटैटो चिप्स। उसके लिए मैंने दो आलू लिए और उसको इस तरह लंबा कद्दूकस करके उसको धो के, तो धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क होने से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने इसे फिर कपड़े में रख लिया कॉटन में, ताकि ये थोड़ा खुश्क हो जाए। तो इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी, थोड़े से बादाम है, ये चाट मसाला है, थोड़ी सी मूँगफली है, थोड़ी सी है ये हमारे पास जो किशमिश है, और थोड़ी सी है इसके साथ नारियल के कटे हुए पीस। तो इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। चिप्स को मैं इसमें आस्ता आस्ता करके डालूंगी। हाँ, ये हो गया एकदम से, ज़्यादा गर्म नहीं करने, वरना आपको छींटे पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये गीला है। इसको खुश करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप बना के आधा घंटा पहले रख लें, वरना ये फिर काले भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी ये भी एक है कि आलू फ़ौरन काले हो जाते हैं। आप थोड़े से गर्म पानी में इसको धो लें, इनमें से तेज़ आंच करके फौरी से फ्राई कर लूँगा। चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है, लच्छेदार हमारी ये जो नींबू हमने बनानी है तैयार हो चुकी है। इसी को मैं निकाल लूँगी फौरन से, ताकि ये सुरख ना हो जाए, बिल्कुल क्रिस्पी सी है। और दूसरी अगर इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूसरी जो है, दूसरा भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे निकालती हूँ और एक अखबार वाले कागज़ में, इसमें अखबार टिशू पेपर या कोई भी आप जो फालतू कागज़ है उसे डाल दें और उसके ऊपर ये डाल दें। अब एक फ्राई पैन लेते हैं अलहदा से, और इसमें इसी ऑयल में से एक चम्मच ऑयल डालते हैं। अब इसी ऑयल में तमाम चीज़ें डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से ये थोड़ा सा इसे करना है, बस होता ही करना है। दो से तीन पत्ते आप कड़ी पत्ता ले लें, या आप पुदीना ले लें, या फिर आप नियाज़पो ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें और उनको भी इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा मैं इसे फ्राई करूँगी, रोस्ट करने हैं बस ये चीज़ें। इसके छिलके नहीं उतारने, ये जो मूँगफली और बादाम इनके छिलके नहीं उतारने, ये ऐसे ही इसके अंदर जाएगी। चीज़ें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं, अब मैं इसे उतारती हूँ और इसी के अंदर ये जो हमारे पास मेवा है ये भी इसके अंदर ही डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बस सारी चीज़ इसके अंदर डाल देंगे एक बाउल के अंदर। ये जो हमारे पास चिप्स है ज़बरदस्त किस्म की देखिए बनी हुई है, चाट मसाला अपने हिसाब से डालें, थोड़ा या कम जितना करना चाहते हैं वो कर लें। और इसको बना के एक जार में डाल के रख लें, मिक्स कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स हो गई हमारी चिप्स, ये ज़बरदस्त किस्म की लच्छेदार सी चिप्स कह लें, या इसको निमको कह लें, जो भी आप इसके कह सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं। सर्दियों की बेहतरीन सी डिश है, बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि आप घर पर बनाएँ और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।